भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य मार्ग डिजिटल हाईवे 310 के आंशिक विकल्प मार्ग को सिक्किम की जनता को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बीआरओ द्वारा सिक्किम की अधिकांश सीमावर्ती सड़कों का डबल लेन में अपग्रेडेशन किया जा रहा है और इसमें से ईस्ट सिक्किम में 65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य भी प्रोग्रेस पर है तथा 55 किलोमीटर सड़क निर्माण योजना के तहत है। नॉर्थ सिक्किम में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मंगन, चुकथांग, युमेसे डोंग और चुंगथांग लाचेन जीमा मुगुथांग नाकुला तक 225 किलोमीटर डबल लेन सड़क का निर्माण कार्य नियोजित है। ये कार्य 9 पैकेजों में नियोजित किए गए हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 5,710 करोड़ रुपए की है।